क्या परिवार में किसी भी सदस्य की आपस में बनती नहीं है, चाहे वो पति पत्नी हो, घर का कोई सदस्य हो, साथ साथ में आपकी कोई कामना भी लंबे समय से अधूरी हो, या आप हमेशा ही परेशान रहते हैं, आपका कोई काम बनता नहीं हो, एक कष्ट से निकलते हैं दूसरी समस्या में फंस जाते हैं, तो अवश्य इस उपाय को कीजिएगा। मैं हूँ खुशी, आप देख राधे कृष्ण मुस्कान उपाय। आज हम आपके लिए माँ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि का एक विशेष उपाय लेकर रहे हैं, जो कि स्वाति नक्षत्र में लंबे समय के बाद शुक्रवार को आ रही है। तो आपने इस दिवस को अपने हाथ से जाने नहीं देना, एक उपाय अपनी समस्या हेतु अवश्य कर लेना है। हमारे चैनल पर रोज ही 3 से 4 उपाय डालते हैं, आप अपनी समस्या हेतु कोई भी एक विशेष उपाय से कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, हमारे चैनल पर दिन मिश्र जी के उपाय बताए जाते हैं, जिनको हम एक एनिमेशन वीडियो तैयार करके आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे किस प्रकार से आपने इस उपाय को करना है, ताकि किए गए उपाय का आपको शीघ्र ही फल मिल सके। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिनको इस वीडियो की जरूरत होगी वहां तक जरूर शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनके भी जीवन की समस्याओं का समाधान हो सके और आपकी भी। तो आइए बिना किस देरी के इस उपाय को समझ लेते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको केवल और केवल थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेना है। गाय का कच्चा दूध मिल जाता है तो सबसे उत्तम। यदि आपके पास कुछ बूंदे भी दूध की होंगी तो उससे भी इस उपाय को कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि प्रतिमान मिश्रा जी ने इस उपाय को बताते हुए कथा में बताया था कि जो भी इंसान इस उपाय को कर लेता है, माँ पार्वती स्वयं महादेव के पास जाकर उस पर्सन की मनोकामना महादेव से कहती है और स्वयं उस कामना को संपूर्ण कराती है। तो यह शिव पुराण का बहुत ज्यादा विशेष उपाय है, जिसे पार्वती मैया स्वयं विनती करके महादेव से आपकी कामनाओं की पूर्ति कराती है। तो आइए इस उपाय को समझते हैं। इस उपाय को करने के लिए पहुंच जाना है शिवालय। वहां पर आपने यह जो कच्चा दूध लिया है, आपने अनामिका उंगली इसमें डुबोनी है और आपने अनामिका उंगली से कटी भाग पर आपने इसको लगा देना है, अर्थात कटी भाग पर आपने थोड़ा सा दूध लगाना है और अनामिका उंगली से लगाना है। यह जो अनामिका उंगली होगी, आपके दाहिने हाथ की अनामिका उंगली होनी चाहिए। आप इस उपाय को या तो शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं या आप सोमवार को भी कर सकते हैं। अवश्य इस उपाय को कीजिएगा, क्योंकि यह कामना पूर्ति का बहुत ज्यादा विशेष उपाय है। जानकारी अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और श्री श्वायन मस्तु भी हम लिखना नहीं भूलेगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए सुंदर सुंदर वीडियोस बनाने के लिए। श्री श्वायन मस्तु भी हम हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।